हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी आपकी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपने आर्यावर्त बैंक के मेडिकल एक्सपीरियंस। मेरा मेडिकल एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या क्या टेस्ट हुआ था, मैं इसमें शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है RRB PO या क्लर्क में, उनको कॉन्ग्रेचुलेसन। और अब आपका जो है मेडिकल टेस्ट होने वाला है, क्योंकि अब DVE स्टार्ट होने वाली है एक दो दिनों में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसमें आपके जो कॉल लेटर आए हुए हैं उसमें आपको दिया हुआ होगा लैब का एड्रेस, आपको उन्हीं लैब पे जाना है। या फिर आपके आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं वहां पे भी अगर आपका सेम लैब नेम का लैब अगर होगा तो आप वहां से भी करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप देख लेना जैसा भी आपको हो। तो आप जब जाएंगे तो आपको क्या करना है, अपना जो आपको जो कॉल लेटर मिला हुआ है उसे लेके जाना है साथ में, और आपको खाली पेट जाना है दोस्तों, खा के नहीं जाना है। सुबह आप 8 बजे पहुंच जाना लैब में, सिर्फ पानी पी के आपको जाना है। आप जब जाएंगे तो वहां पे अपना कॉल लेटर दिखाना उनको, कॉल लेटर वो देखेंगे, फिर वो अपना फीस देना, वो फीस लेंगे आपसे 1000 रुपये या 1200 रुपये जो भी लेंगे वो दे देना, ठीक है। उसके बाद वो आपको ले जाएंगे टेस्ट के लिए। सबसे पहले वो आपसे लेंगे ब्लड सैंपल लेंगे, उसके बाद वो आपसे करवाएंगे दोस्तों यूरिन सैंपल लेंगे आपका, उसके बाद ECG टेस्ट करेंगे और साथ ही साथ आपका एक्सरे करेंगे। ये आपका खाली पेट होगा दोस्तों सारा। उसके बाद ये चारों टेस्ट हो जाने के बाद वो आपको कहेंगे अब आप जाओ खा के आना। खाना खाने के बाद आपको जितने बजे भी आप खाओगे उसके 2 घंटे के अंदर आपको आ जाना है, मतलब 1.5 से 2 घंटे के अंदर फिर आपका दूसरा टेस्ट होगा दोस्तों। उसमें आपको उसमें भी आपसे एक ब्लड सैंपल लिया जाएगा और उसके 2 टेस्ट होंगे दोस्तों, वो मुझे याद नहीं आ रहा कौन से टेस्ट हैं। वो 2 टेस्ट होते हैं आपके, ये जो 2 टेस्ट होंगे खाना खाने के बाद होंगे, लेकिन इसके लिए ब्लड सैंपल एक ही बार आपसे लिया जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी ईजी प्रोसेस होता है, कोई घबराने की बात नहीं है कि मेडिकल में कोई इशू होगा, आपको आपका मेडिकल रिजेक्ट हो जाएगा, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, काफ़ी आसानी से हो जाता है। वो काफ़ी सपोर्टिव होते हैं लैब वाले, सब कुछ आपका, वो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप जाओ वहाँ पे अपना कॉल लेटर दिखाओ, फीस जमा करो, वो सब कुछ खुद ही कर देंगे। तो ये था दोस्तों मेरा मेडिकल एक्सपीरियंस। और फिर उसके जब आपका सारा टेस्ट हो जाएगा उसके सेम डे 2 से 3 घंटे के अंदर आपको वो रिपोर्ट दे देंगे, अपना रिपोर्ट लेके आओ। और फिर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस दिन है वहाँ पे जाओ बैंक में, और वहीं पे दोस्तों बैंक में ही एक मेडिकल ऑफिसर बैठे होंगे, जो आपका मेडिकल रिपोर्ट एक होगा फॉर्म, वो उन्हीं से फिल करवाना है, वो वहीं फिल कर देंगे। उसके लिए शायद वो कुछ चार्ज वगैरह लेंगे, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने देखा था वीडियो में बता रहे थे कि हाँ 500 लेते हैं, तो ठीक है लेंगे तो कोई बात नहीं, वो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो अच्छे से जाओ दोस्तों बिना टेंशन लिए, मेडिकल अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बाकी जिनका DVE है DVE